थे भैया वरुण तेज, क्या लगे हैं उनको देखेंगे तो अलग ही उनके चेहरे पे तेज देखने को मिलता है। वरुण तेज का जब उससे देखेंगे तो गैम्बलिंग को लेकर चीजें दिखाई गई हैं, वो एक की जिंदगी पर आधारित एक तरीके से उनका जो कैरेक्टर है वो आधारित है। पूरी स्टोरी तो मैं नहीं कहूंगा, पूरी फिक्शनल है स्टोरी तो खैर, लेकिन उनके ऊपर देखेंगे तो काफी अच्छे वो जमे। वरुण तेज, मीनाक्षी चौधरी हैं, काफी अच्छी लगी वो भी, और फिर नोरा फतेही हैं भैया। नोरा फतेही को देखेंगे तो एक्टिंग के मामले में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ एक्टिंग उनसे नहीं बन रही थी, लेकिन लगी काफी अच्छी, और वो जो सॉन्ग था उनका मजा आया देख आपको के। कैसी लगी मूवी? मुझे ये बहुत सुपर डुपर हिट मूवी रही है, लेकिन नोरा फतेही का डांस, मैं तो रियल में नोरा फतेही का डांस देखने गया था, बहुत ही अच्छी शानदार लगी है। नोरा फतेही, और लगी अच्छी। नोरा फतेही फर्स्ट टाइम कर रही है अभी मूवी। वैसे देखें तो नोरा फतेही के सॉन्ग्स वगैरह भी खास आ नहीं रहे थे, तो यहाँ मूवी में सॉन्ग भी देखने को मिला और खुद भी, और देखेंगे तो स्टोरी भी फिल्म की अच्छी है थोड़ा सा, लेकिन देखेंगे तो इस तरह की कहानी जो है हम कई सारी फिल्में आ चुकी है, कई सारी वेब सीरीजें आ चुकी हैं, तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि लोगों को लगे कि हाँ, क्योंकि देखेंगे तो स्टार्टिंग फिल्म की अच्छी होती है, उसके बाद थोड़ी सी फिल्म स्लो हो जाती है, इंटरवल पे एक ट्विस्ट आता है, उसके बाद फिल्म वापस पेस पकड़ती है, तो ओवरऑल देखी जा सकती है। मैं कहूँगा वरुण तेज की और मीनाक्षी चौधरी, इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मूवी में कहीं बोर तो नहीं गया ना? अब बोर का मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड हाफ फिल्म आपको अच्छी लगेगी, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा, थोड़ी स्क्रीन टाइम जो है, स्क्रीन प्ले जो है वो थोड़ा सा कमजोर होता है वो नज़र आता है, वो इसलिए क्योंकि इस तरह की कई सारी फिल्में आ चुकी हैं, कई सारी वेब सीरीज बन चुकी हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो वही सारी चीज़ें हैं। पांच में से कितने स्टार देंगे? पांच फिर में से मैं फिल्म को 3 स्टार।